नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आया हूँ आपके हेल्थ थिंक ऐप पे हेल्थ टिप्स नाम के प्रोग्राम में, जो बहुत बढ़िया बढ़िया आपको हेल्थ टिप्स देते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बताया जाता है। और आज का एक और बड़ा ही कॉमन टॉपिक है जो ज्यादातर पेरेंट्स को आज नहीं तो कल परेशान किया ही होगा, जो है हमारा सर्दी खांसी बुखार। इसमें क्या करें? अब इसमें क्वेरीज कैसे रहती हैं, आप परेशान क्यों रहते हो कि इतना हाई फीवर आ गया, क्या इसको निमोनिया हो गया, क्या मैं इसको एंटीबायोटिक दे दूं, क्या मैं इसको नेबुलाइज करूं कि नहीं करूं। हम तो परेशान हो गए हैं, ये तो हर 2-3 महीने में इसको ऐसा हो जाता है। कोई ऐसी दवाई बताइए कि आगे ये हो ही नहीं। कुछ खाने पीने की चीजें बताइए कि ऐसे बीमारियों में क्या खाना पीना चाहिए। तो हम लोग इस पे शुरू करेंगे। ये एक बहुत कॉमन समस्या है, स्पेशली मेट्रो में आप देखेंगे कि पोल्यूशन के साथ ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, अस्थमा कोल्ड कॉफ के केस बढ़ते जा रहे हैं। सर्दी खांसी बुखार। पहला के ये क्यों होता है? सबसे पहले 80% आप देखेंगे सर्दी खांसी बुखार जो होता है वो ज्यादातर वायरल होता है। वायरल और बैक्टीरियल, एक कंफ्यूजन यहाँ आता है कि क्या ये बैक्टीरियल समस्या है कि क्या ये वायरल समस्या है। तो हम कैसे इसको हम अलग करें कि ये बैक्टीरियल होता है और ये वायरल होता है। वायरल के पॉइंटर्स क्या होते हैं? देखिए, मिक्स्ड हो सकता है, कोई भी बात मेडिसिन में 100% नहीं होती, बट 90% थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस, थोड़ा से ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको वो आंसर आ जाता है। वायरल में क्या होगा? आपको जनरली आप देखेंगे फैमिली हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मिल जाएगी कि आप गए थे अपने नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, आपने घर में खोजा कोई मेड को, मदर को, अदर सिबलिंग को जुकाम खांसी है। एक पॉइंटर आ जाता है कि ये वायरल है। अब और क्या पॉइंटर आता है कि जुकाम आ गया। अगर बच्चे को जुकाम आ गया तो आपको इसको मान के चलना है कि ये मोस्टली या तो वायरल है या तो एलर्जिक है। अब वायरल और एलर्जिक में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वायरल में फीवर आएगा, एलर्जी में आने के चांस बहुत कम है और बाकी फीचर्स मिल जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगी, नाक बहनी, छींकें, स्नीजिंग, ये सब शुरू हो जाएगी, फिर खांसी शुरू होती है, फिर खांसी थ्रोट से भी हो सकती है और नीचे से भी हो सकती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर आता है बुखार। जनरली वायरल में फीवर जो है वो आएगा आपके 3 से 5 दिन, चौथे पांचवें दिन से ये या तो गैप आना शुरू हो जाएगा, या गैप आने का मतलब पहले 6-6 घंटे पे बुखार आता था, अब 8 से 12 घंटे पे आ रहा है। फिर आपका आता है कि इसके साथ में फीवर पैटर्न जो है हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, जनरली लो रहता है बट ऐसा कोई डिक्टम नहीं है। आपको 103 का बुखार का मतलब ये नहीं है कि ये वायरल नहीं हो सकता है। अब आएगा साथ में इसके आप देखेंगे एक्टिविटी इन बिटवीन। जनरली वायरल फीवर में क्या होगा, बच्चे को बुखार आया, आपने क्रोसिन दिया, बुखार कम किया उसका, इन बिटवीन फीवर बच्चा ज्यादा प्लेफुल रहेगा। वेरेस बैक्टीरियल में क्या होता है कि टॉक्सिसिटी थोड़ी सी मेंटेन रहती है, वो इन बिटवीन फीवर भी थोड़ा लेथार्जिक रहेगा, उसकी एपेटाइट वगैरह कम रहेगी। साथ में क्या हो सकता है, रैशेज आ सकते हैं। अगर रैशेज आ रहे हैं तो ज्यादा सजेस्टिव है कि ये वायरल फीवर या वायरल सर्दी जुकाम की तरफ जा रहे हैं। आज हम लोग इसमें कोविड या फ्लू वाली बातें नहीं करेंगे, हम जनरल बातें कर रहे हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट कि वायरल सर्दी जुकाम खांसी हो रही है या ये बैक्टीरियल पैथोलॉजी है। हमने अभी तक क्या सीखा, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाए, जुकाम, छींके, नाक के कोई सिम्टम्स आने शुरू हो जाए, खांसी आ जाए, रैशेज आ जाए, इन बिटवीन फीवर बच्चा प्लेफुल है, तो जनरली आप मान के चलते हैं कि ये वायरल है। तो इतने जानने की जरूरत क्या है, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, वायरल है बैक्टीरियल है, हमें क्या करना है? एक ये सवाल आता है, ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर ये बैक्टीरियल पैथोलॉजी है तो हमें एंटीबायोटिक देनी है, लेकिन ये प्रतिशत केवल 20 होता है। लेकिन पेरेंट्स का या बहुत जगह में अपना क्या क्या करते हैं हम, 80% जो वायरल होता है उसमें 80% लोग एंटीबायोटिक दे देते हैं। एंटीबायोटिक दे ही दी तो क्या हो गया, पिछली बार भी हमने एंटीबायोटिक दी थी उसी से ठीक हुआ था। क्यों ठीक हुआ था? क्योंकि आपने पहले दूसरे दिन ही उसको एमोक्सिसिलिन या एजिथ्रोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक आपने उसको दे दी। वो आप नहीं भी देते और थोड़ा पेशेंस रखते और वायरल वाले सिम्टम्स की तरफ जाते तो शायद 3 से 4 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता। अब दे ही दी तो क्या समस्या आ गई सर? ऐसे तो बहुत लोग एंटीबायोटिक खाते हैं।
तो एंटीबायोटिक खाने के क्या साइड इफेक्ट होंगे, लॉन्ग टर्म में आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हो जो आप अभी अभी समझ नहीं आ रहा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आ रहा है। हमारे कुछ दशक में कुछ हार्डली 2-3 एंटीबायोटिक्स नई तैयार हुई हैं और ज्यादातर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गई हैं। सो छोटे से पस के लिए, छोटे से टॉन्सिल के लिए ओरल दवाइयां जो आप मिसयूज करते जा रहे हो वायरल में एंटीबायोटिक देके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगी और आपको इंजेक्टेबल दवाइयां देनी पड़ेंगी जो आपको बहुत तकलीफ देने वाली हैं और दवाइयां आपके कम काम करेंगी। सो मिसयूज नहीं करना है। सो मेरा कहने का मतलब ये है आपके लिए कि पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। 103 का बुखार, पहला दिन जुकाम आ गया, टेक इट एज वायरल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। 3-4 दिन धीरज रखिए, फीवर मैनेज करिए, न्यूट्रिशनली उसको इक्विप्ड रखिए। आप देखेंगे चौथे पांचवें दिन 80-90% बच्चे फीवर फ्री हो जाते हैं और आपको बिना बात के एंटीबायोटिक और उसके साइड इफेक्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आती है बात के कब हम डिफ्रेंशिएट करें कि ये ओपीडी वाली बात है या बच्चा बहुत सिक हो गया है। कहने का मतलब कि क्या ये निमोनिया की तरफ जा रहा है या बेसिक सर्दी जुकाम है जो समय के साथ ठीक हो जाएगी। सो निमोनिया के साइंस क्या होते हैं, एज रिलेटेड आपको थोड़ा सा सांस लेना उसका आपको मॉनिटर करना पड़ता है। सो अगर आप देख रहे हैं कि बिना सर्दी जुकाम का हाई ग्रेड फीवर, बलगम वाली खांसी, पसली चल रही है अगर बच्चे की, पसली चलने का मतलब अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी मैं डीप ब्रीदिंग करूंगा तो यहाँ गड्ढे आएंगे, तो ये अगर गड्ढे बनने शुरू हो गए यहाँ पे या साइड में तो ये पसली चल रही है, मतलब बच्चा निमोनिया की तरफ जा रहा है। सो WHO डेफिनेशन क्या बोलते हैं, बुखार, बलगम वाली खांसी और पसली चलना। फिर अपने आप एक कैटेगरी हो जाती है माइल्ड मॉडरेट सीवियर, उसकी आपको जानने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये 3 चीजें आ गई और नाक वगैरह नहीं बह रही है उसकी तो शायद ये बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, बच्चे को अब एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है। और क्या देखेंगे ऐसे बच्चों में कि हाथ, नाक, मुंह ये बहुत नीले से ना पड़े, बच्चा वॉमिटिंग, पेट दर्द, डिहाइड्रेशन में तो नहीं जा रहा। अगर आपको ये चीजें लग रही हैं, बुखार 4th दिन से ज्यादा जा रहा है, बच्चा बहुत सिक और लेथार्जिक है, पेशाब उसका कम होना शुरू हो गया और हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं, तो ये टाइम आ गया कि आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, उसकी एडवाइस माननी है और शायद ऐसे बच्चे को एडमिशन की जरूरत, कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट, एक्सरे की जरूरत पड़ सकती है। सो ये हमारी बात। अब एक और समस्या आती है जनरल में के नेबुलाइजर, अब क्या करें, नेबुलाइजर जो है दिया जाए कि नहीं दिया जाए, है ना। आपके डॉक्टर ने भी आपको कभी ना कभी बोला होगा या आगे शायद बोलेंगे। सो नेबुलाइजर क्या चीज है, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या ये छोटे बच्चों में हमें देनी चाहिए, देनी चाहिए तो क्या सावधानी, और कब इंडिकेशन है कि नेबुलाइजर दें और कब नहीं दें। सो सबसे बड़ा जो मिथ है, 2-3 मैं पहले क्लियर कर दूं कि नेबुलाइजर का पेरेंट्स का जनरली जो क्वेश्चन रहता है कि अरे सर ऐसे कैसे, बच्चा तो मेरा बहुत छोटा है, नेबुलाइजर तो दमे की बीमारी के लिए होता है, इसके तो बहुत साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे, इसकी तो आदत पड़ जाएगी, ये तो ठीक ही नहीं होगा बिना नेबुलाइजर के, इससे दमे की शिकायत हो जाती है, इसके बड़े साइड इफेक्ट्स लाइफ लॉन्ग हो जाते हैं। सो ये 5 चीजें वैलिड नहीं है। सो आपको नेबुलाइजर के बारे में ये समझना है कि इसमें अगर आप दवाइयां पढ़ेंगे तो 0.some microgram में मिलेंगी, 0.31, 0.63, 0.1, 1.2 जो मिलीग्राम में है। अब इसमें क्या है कि 90% दवाइयां विद इन 5 मिनट्स आपकी बॉडी से निकल जाती है, तो साइड इफेक्ट कब होंगे, जब दवाई शरीर के अंदर जाएगी। सो आपकी समस्या कहाँ पे है, छाती में है, दवाई कहाँ जा रही है, भाप के थ्रू छाती में जा रही है, केवल 10% ऑफ दैट मिलीग्राम एब्जॉर्ब होती है शरीर में, तो साइड इफेक्ट किसमें ज्यादा आएंगे, ओरल आप पेट में लोगे, पेट से ब्लड से होके लिवर में जाएगा, फिर छाती पे काम करेगा और फिर किडनी में जाएगा, ऐसे निकलती है दवाइयां जनरली, तो साइड इफेक्ट कहाँ ज्यादा होने के चांस हैं, जहां पे बॉडी में एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, मल्टी ऑर्गन टच करके ही निकलेगी। सो आप देखेंगे नेबुलाइजर से फर्क जल्दी पड़ता है, इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं, एकदम नहीं होते हैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बहुत मिनिस्क्यूल होते हैं, लेकिन
जनरल साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, आपको थोड़ी हाथ में कंपन आ सकती है, थोड़ा हार्ट रेट बढ़ सकता है, लेकिन करेक्ट डोज में करेक्ट टाइमिंग के साथ अगर आप देंगे तो आपको ये साइड इफेक्ट भी नहीं आते हैं। सो आपको साइड इफेक्ट नहीं होता। फिर आती है बात, इसकी तो सर आदत पड़ जाएगी। अब क्या चीज है आपको समझना है कि आदत में और जरूरत में काफी फर्क है, जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मान लीजिए बुखार आया 104, किसी ने बोला कि यार क्रोसिन मत लो, नहीं तो इसकी तो आदत पड़ जाएगी। ये आदत नहीं है, ये जरूरत है। अब आदत किसको बोलते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो आप यूज करते थे उसको हमने विड्रॉ किया और आपको विड्रॉल सिम्टम आए, इसको बोलते हैं आदत। जैसे जो शराब पीते हैं, उनको शराब नहीं दीजिएगा आप शाम को, तो उनको आदत है ये, फिर विड्रॉल सिम्टम आएंगे। जैसे कोई सिगरेट पीता है, अगर उसको सिगरेट नहीं मिलेगी 12 घंटे तो उसको कंपन आएगी, उसके लिप सूख जाएंगे, वो बोलते हैं आदत। तो जैसे क्रोसिन की जब जरूरत पड़ी तो आपने दिया बुखार उतारने के लिए, वो आदत नहीं है, शरीर की जरूरत है। आपको अगर बीपी बढ़ा हुआ है, आप बोलो नहीं मैं बीपी की दवाई नहीं लूंगा, इसकी तो आदत पड़ जाएगी, तो ये आदत नहीं है, आपके शरीर की जरूरत है। जरूरत नहीं होगी तो नहीं देंगे और आपको उसके साइड इफेक्ट नहीं आएंगे फिर। सो नेबुलाइजर इज नॉट हैबिट फॉर्मिंग, इट इज नीड ऑफ द बॉडी। अगर उसको जरूरत है तो आपको देना पड़ेगा। इसके रिस्पॉन्स आपको जल्दी मिलेगा। जो पेरेंट्स यूज करते हैं वो जानते हैं कि आप सिर्फ कई बार देते रह जाते हो, स्पेशली लेस देन 2 ईयर ओल्ड में, और आपको उस खांसी में रिलीफ नहीं मिलता, फिर आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक में जाते हो और सोचते हो उसी से ठीक हो जाएगा। सो नेबुलाइजर इज गुड वेर एवर इट इज इंडिकेटेड एंड रिक्वायर्ड। अब कई दूसरा एस्पेक्ट में क्या आता है कि थोड़ा जुकाम भी आता है, सोर थ्रोट की खांसी के लिए नेबुलाइजर शुरू करते हैं, वो उसके लिए नहीं बना हुआ है। नेबुलाइजर बना है आपकी छाती में, ऐसी आपकी सांस की नलियां जब सिकुड़ जाती हैं किसी भी रीजन से, वायरल वीज हो सकता है, उसको एस्थमा हो सकता है, उसको ड्रग कोई लेने के बाद वीजिंग हो सकती है, सो ये जो सिकुड़ जाती हैं इनको खोलने के लिए बना हुआ है, ये जुकाम ठीक करने के लिए अभी इंडिकेटेड नहीं है। सो अगर करेक्ट टाइम पे एज अप्रोप्रिएट डोज में आप नेबुलाइजर देते हो जहां इंडिकेटेड है तो ये बहुत फैंटास्टिक काम करता है। इससे एस्थमा नहीं होगा, चूंकि आपको एस्थमा जैसा सिम्टम या एस्थमा है इसलिए यूज किया जाता है, सो दोषी वो नहीं है, दोषी वो बीमारी है। दूसरा, इसकी कोई हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती, इसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो होते नहीं, कि लॉन्ग टर्म हम साइड इफेक्ट नेबुलाइजर 3-5 दिन करते हैं और जिंदगी में कोई परमानेंट साइड इफेक्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसी का एक दूसरा चीज भी होता है जिसको हम बोलते हैं इनहेलर, इनहेलर या पफ। इस पे भी एक लंबी क्लास या लंबा हम लोग वो ले सकते हैं, एक वीडियो बनाया जा सकता है इस पे, क्योंकि ये मेट्रो का एक सच हो गया है कि आपको इस पोल्यूशन लेवल्स में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर या गाजियाबाद जहां पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में एस्थमा और वीजिंग देखी जा रही है। सो आप इनहेलर्स भी लिया जा सकता है नेबुलाइजर के कंपैरिजन में। वर्ल्ड ओवर अगर आप देखेंगे रिकमेंडेशन अब नेबुलाइजर से भी ज्यादा जा रहा है कि आप इनहेलर्स को यूज करिए। अगेन सारे जो आपके पॉइंटर्स हैं कि इसके साइड इफेक्ट होंगे, ये तो एस्थमा में यूज होता है या एस्थमा के लिए ही यूज होता है, ऐसा नहीं है। एस्थमा के लिए भी होता है और एपिसोडिक वायरल वीजर्स के लिए भी यूज होता है। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, अगर आप नहीं यूज करोगे तो ज्यादा साइड इफेक्ट आएंगे, कि बच्चा बार बार खांसता ही रहेगा, जुकाम में रहेगा, ग्रोथ नहीं आएगी, सो नहीं पाएगा, स्कूल एब्सेंटिज्म आ जाएगी और आपके जो फाइनेंशियल बर्डन या इमोशनल स्ट्रेस आएगा वो एक अलग ही चीज हो जाती है। सो आज हमने ये कोशिश करी आपको बताने की कि वायरल और बैक्टीरियल जुकाम खांसी सर्दी कैसे आइडेंटिफाई करें, सीवियरिटी कैसे असेस करी जाए, कब हम बोलते हैं निमोनिया है, कौन सी कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक देनी चाहिए और कौन से में नहीं देनी चाहिए। बुखार इक्वलेंट टू एंटीबायोटिक नहीं है। तो मेरा तो सबसे पहले अनुरोध रहेगा पेरेंट्स से, जो सबसे ज्यादा अपने लिए यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं एंटीबायोटिक, जुकाम खांसी सोर थ्रोट, एजिथ्रोमाइसिन जाके दुकान से लेके खा ली, कभी नहीं करना चाहिए। जुकाम बुखार के साथ 3 से 4 दिन आपको जरूर वेट करना चाहिए। फिर हमने बात की नेबुलाइजर, नेबुलाइजर के जो मिथ्स हैं,
कि इससे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन आएगा, एडिक्टिव इन नेचर है, इससे अस्थमा हो जाएगा, ये सब ट्रू नहीं है। इसके मिनिमल साइड इफेक्ट हैं, अप्रोप्रिएट यूज में इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। इट इज जस्ट द सेम मेडिसिन जो आप सिरप से लेते हो, जैसे सिरप लिवोलिन बोल दिया मैंने और उसी का नेबुलाइजर आता है, वो केमिकली इट इज सेम, बट साइड इफेक्ट बहुत कम है और एफिकेसी बहुत ज्यादा है। इट इज जस्ट अ मशीन जिसके थ्रू वो ड्रग जहां रिक्वायर्ड है वहां डिलीवर की जाती है। सो आज के लिए इतना ही, और आगे आपको इससे रिलेटेड निमोनिया, जुकाम, खांसी से कोई ऐसा कोई आपको कंफ्यूजन लगे, कोई आपको मिथ्स लग रहा है, या कोई आपके डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला या आपने ऐसा पढ़ा, तो आपको ऐसा कोई भी डाउट लगे, आप जरूर हमारे साथ सवाल जवाब करें, और कैसा भी सवाल हो आप कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके मिथ्स का, क्वेश्चंस का, क्वेरीज का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का हम अप्रोप्रिएट सिंपल तरीके से आंसर देने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद, और नीचे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको और क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो परेशान करते हैं अपने बच्चों की समस्याओं से लेके। हम कोशिश करेंगे कि वैसा ही वीडियो आपके लिए हम फिर बनाएं। तब तक के लिए अपना, अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, अड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखिए। मैं डॉक्टर राजीव सिंह, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गाजियाबाद, इंदिरापुरम से।